तो आपको एप्रन बनाते हुए अब बना सकते हो आप। और धमाके ऐसे हो रहे हैं ना इसमें जैसे बम फट रहा है। डूम डूम। ये जो कढ़ाई है स्पेशल मच्छी तलने के लिए कढ़ाई है। इसके बस एक ही कान है। इसके कान तोड़े हुए। कितना पुराना है। तो अभी मच्छी हो चुकी है, हाफ फ्राई होगी अभी। थोड़ा टाइम लगेगा। सही है ब्रो, सही है। तू साइड हो। हाँ पूरी बात माना। क्या कर दिया? भाई टेस्टी बनाना आज मछली। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली, देखते कैसी बनती है। कोशिश तो पूरी करेगी कि अच्छी बनेगी और इन लोगों के रिव्यू भी लेंगे कि इनको कैसा लगा। अभी तो फिलहाल मछली को तला जा रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी कटिंग वगैरह करेंगे, फिर उसको अच्छी तरह से फ्राई करके मच्छी करी बनाएंगे आज बढ़िया वाली। तो अभी तो कुछ खास प्लान नहीं है, थोड़ा बैठ जाता हूँ आपको बताता हूँ। थोड़ा बुक के बारे में अपडेट देता हूँ कि बुक में यार अभी मैं फिफ्थ पैराग्राफ पे पहुँचा हूँ बुक के, और अच्छी भी लग रही है काफी। मतलब रिलेट कर पा रहे हैं इसको कि टाइम को किस तरह से आपने मैनेज करना है। और पिछले कल यार बहुत ज्यादा थक गया था, तो इतना मन भी नहीं किया शूट करने का। तो जितनी थी अपनी रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए कल जो वीडियो थी वो काफी लेट आई। मैंने उसको 11 बजे अपलोड किया क्योंकि थक गया था यार, मन भी नहीं था। मन तो था लेकिन काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, उसी का असर वीडियोस पे भी पड़ गया। तो हमने सोचा अपनी जो निरंतरता उसको ना तोड़ा जाए, और हमने वीडियो अपलोड कर दी 11 बजे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वीडियो आई नहीं, शायद आपका जो डेली व्लॉग्स का चैलेंज है शायद आज उसका सफर यही खत्म ना हो जाए। हम अभी हटेंगे नहीं पीछे, तो इसीलिए हमने फिर अपना जो ब्लॉग है उसे 11 बजे अपलोड किया। काफी कम लोगों ने देखा लेकिन प्यार बहुत अच्छा दिया, थैंक यू सो मच गाइस। चलो फिर देख लेते हैं मच्छी के क्या हाल है अभी। इस तरह की डीप फ्राई हो गई है, अभी यहाँ पे भी हो रहा है, अभी वहाँ इतना बचा हुआ है। चलो फिर थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको। क्या क्या बना भाई, क्या क्या बनता है? ये टमाटर ले आया है यहाँ पे। सबसे पहले तो अरे कटिंग प्याज की, प्याज की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्याज चला जाएगा, कटिंग चलने के बाद उसको धोना है। ओके ये प्याज ये तोड़ा किसने? सबसे पहले ये बताओ पहले किसने तोड़ा है? मैंने बनाने के लिए तोड़ दी। आग तो जला नहीं सकते, कोयला। कितने टमाटर लगेंगे? ग्रेवी बनानी है ना। चाकू लेके चाकू से प्याज चाक करके टमाटर में डाल दिया हमने। ले लिए 4 से 5 प्याज। टमाटर की क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। क्वांटिटी टमाटर ऐसे ऐसे पहले से सबसे पहले तो कटिंग करना है, उसको छिल लेते हैं। सुने तुम लोगों ने कहा टमाटर में ना टमाटर को सुना है तेरी तकी चुप ना। क्या बोलते टमाटर के अंदर ना वो डाल दिया था मैंने चाकू, और उसके चाकू क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे करके डाल दिया था, उसके फिर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था मैंने गैस के ऊपर चल रही है। कितने सारे टमाटर बहुत है यार, कटना तो यार डर लग रहा है। ओ ब्रो डर लग रहा है यार, डेंजरस पर्सन हमें डालने लगता है। एक जो रास्ता होता है ना दिल का, खाने से होकर ही गुजरता है। गाइस स्पीड चेक करो मेरी, अगर किसी ने ढाबे में मेरे को हायर करना तो बता देना। जब आप ग्रेवी बनाते तो सही लगता है, और गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है क्या बताऊं मैं। तो करने जा रहे हैं हम टमाटर की कटिंग। टमाटर के पीस बिल्कुल छोटे छोटे रखेंगे हम, टेक्सचर काफी अच्छा आता है इसे और गल भी जल्दी जाता है। और प्याज और लहसुन तो हमने पहले काट कर रख दिया था इधर, अब इसको फिर सिलवट्टे में पीसेंगे। पहले कटिंग कर लेते हैं। कटिंग कैसे सीखी? कटिंग मुआ कैसे सीखी? ये बचपन से कर रहे हैं बेटा, खाना हमारे को बचपन से सिखा दिया था। पिताजी ने एक बात कही थी और माताजी ने एक बात कही कि जिंदगी में खाना बनाना सीखना। जिंदगी में कुछ करना करो खाना बनाना जरूर आना चाहिए। तो आज वो काम आ रहा है, वो सारे स्किल्स आज इम्प्रूव हो रही है यहाँ के। ये क्या चीज़ है ब्रो, राई डाल रहा है इसमें? मछली में जो है राई बहुत जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंग्रेडिएंट है, इससे काफी अच्छा वो आता है, टेस्ट आता है, स्मेल भी अच्छी आती है। नेचुरल ऑयल है ना वो, उसके साथ मिल जाते हैं फिश के साथ, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। अगर इसके साथ आप कड़ी पत्ता भी यूज करेंगे वो भी काफी अच्छा होता है। तो फिलहाल अभी कटिंग हो रही है, कटिंग में तो टाइम लगेगा ही क्योंकि इसने चाकू तोड़ दिया था। ऐसा लग रहा है फूड व्लॉगिंग कर रहे, चाकू ऐसा पूरा हिल रहा है। तब कहाँ से होगी कटिंग, नहीं तो मैं दिखाता आपको मेरी फास्ट कटिंग कैसी है। ऐसे लग रहा फूड व्लॉगिंग कर रहे, फूड व्लॉगिंग तो लग रहा है लेकिन दिखाना भी जरूरी है ना, लाइफस्टाइल व्लॉग है क्या। तूने बोला ना राई इंपॉर्टेंट है, राई तो इंपॉर्टेंट है बट उतना ज्यादा भी डालना, ज्यादा डालते तो कड़वा हो जाता पूरा का पूरा सब। नहीं थोड़ा थोड़ा बढ़िया रहता है राई, थोड़ी क्वांटिटी सबकी बढ़िया होती है ब्रो। वही तो बोला थोड़ा बहुत डालना है।
सबसे मेन चीज है आपकी नमक। नमक बहुत स्वाद अनुसार डालें। एक याद आया अक्कड़ स्वाद कैसा था यार, याद नहीं आ रहा हमको अभी, थोड़ी देर में याद आएगा। कोई नहीं, नमक स्वाद अनुसार और अक्कड़ औकात अनुसार। ये सही है तो जितना भी कचरा था हमने इसमें पॉलिथीन में भर दिया। सफाई बहुत जरूरी है ब्रो, बीच बीच में सफाई भी कर रहे हैं। सुबह कचरे आने आती आएगी, कचरा लेकर चले जाएगी। इसका तो अपना ही चला होता फिर है ना। और इसके बाद धनिया भी लेकर आए उसको धो के काटना है। चलो फिर अब मसाला पीसते। कौन पीसेगा, तू पीसेगी? तू पीसेगा? मैं पीसूंगा। ठीक है पीस फिर। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद मसाला। चलो मैं मसाला पीसता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा प्रोसेस है। हमने लहसुन और मिर्च डाल लिया है, इसके बाद इसको पीसेंगे अच्छे से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ग्राइंडर क्यों नहीं यूज कर रहा, ग्राइंडर है अपने पास लेकिन हम ग्राइंडर यूज नहीं करेंगे। इसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जो इसके अंदर का जो नेचुरल ऑयल है ना वो ग्राइंडर में एक तरह से मतलब बोलते हैं ना पीस के रह जाता है, खराब सा हो जाता है, इसलिए हम इस सिल बट्टे में पीसेंगे इसको। काफी एक्सपीरियंस है कुकिंग का मुझे, बचपन से करता हूँ। और इस तरह आपने पीस देना है बिल्कुल इसको। और ये रहा, ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। और आपने जब भी आप मछली बनाओ जो अदरक होता है उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने सुना था कि मछली में कभी अदरक नहीं डालते। इसका रीजन मुझे पता नहीं है, आपको मैं बाद में बताऊंगा, गूगल कर लेना। तो बस इस तरह आप पीसना है आपने बिल्कुल। और गर्मी काफी ज्यादा है यार, पहले ही बताया था मैंने आप किचन में जब भी आप जाओगे गर्मी तो आपको एहसास तो उसका होगा ही। और आपने इसमें ऐसे हल्का हल्का वाटर भी छिड़कना है ताकि ये थोड़ा स्लीपी हो जाए और पीसने में आसानी होती है। इससे मसाला बस हमारा रेडी होने वाला है। हटे थोड़ा सा, मैं पीस देती हूँ। इसका शेप भी हार्टेड है। फाइनली मसाला तैयार हो गया है, कुछ ऐसा है। हल्का इसमें हमने पानी ऐड किया है, काफी अच्छा दिख रहा है। डाल दी गर्म हो गया काफी। बोलो ब्रो कुछ है? तेल डाल दिया, गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें प्याज और मसाले जो भी है। ये मसाले ऐसे तो हो ही जाता है, चल पड़े। ऐसा कर रहा जैसे पता ही नहीं है। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक इसको हमें फ्राई करना है। आज फूड ब्लॉगर क्यों बन गया हूँ, करना पड़ता है यार, ये डेली लाइफ में ना खाना बहुत जरूरी। तो बस अभी खाना बनाते हुए आपको दिखा देता हूँ कैसा लगता है आप लोगों को। चलते दोबारा फ्लैशबैक पे। ये हो चुका है गोल्डन ब्राउन थोड़ा, अभी और इसे फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन तो ये आप डाल देते टमाटर, टमाटर के साथ साथ नमक डालना है स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार और अकड़ औकात अनुसार। ये सही लगे भाई। हल्दी चम्मच किस लिए दिया हुआ है? और गाइस एक चीज बताऊं मैं आपको, हल्दी और नमक से मैं आपको थोड़ा उदाहरण दे देता हूँ। बस हल्दी सिर्फ कलर के लिए होता है और नमक तो आपके लिए, और जिंदगी में लोग भी आपको इसी तरह से मिलेंगे, कुछ होंगे जो आपका साथ देंगे हल्दी की तरह। वो दिखेंगे तो आपके साथ ही लेकिन वो होंगे नहीं, और नमक होते हुए भी दिखता नहीं है। इसी तरह लाइफ में भी आपके साथ कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको मतलब आपके साथ दिखेंगे नहीं लेकिन उनका साथ हमेशा ऐसा हो कि आप भूल नहीं पाओगे। लाइफ के हर एक सक्सेसफुल पाथ में आपके साथ होंगे वो, चाहे आप जैसे भी स्ट्रगल में हो कुछ भी हो। देख लो आज सब्जी से मैंने आपको उदाहरण दे दिया। A few moments later. तो गाइस कुछ ऐसा बना है तो हम इंजॉय करते हैं। अब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हम डिनर कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय। फूट कैसा लगाते हैं ये? सारा ये कुमले ना जैसे दिखाता, अनप्रोफेशनली हूँ मैं। हट।